धर्मांतरण केस में यूपी पुलिस ने कई और बड़े खुलासे किए हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उमर गौतम से पूछताछ के बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके नाम इरफान, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान है। इरफान एक इंटरप्रेटेटर है जो कि दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटेटर का काम करता है। इसकी वजह से उसकी मूक बधिर लोगों में अच्छी पकड़ है। राहुल भोला खुद मूक बधिर है जो कि इरफान खान के साथ मिलकर मूक बधिर को धर्मांतरण के लिए तैयार करता था। मन्नू यादव भी मूक बधिर है जो कि इरफान के कहने पर लोगों को झांसा देकर धर्मांतरण के लिए तैयार करता था। इसके अलावा यूपी पुलिस ने खुलासा किया है कि उमर गौतम को विदेशी फंडिंग होती थी। उसके ट्रस्ट के अलावा परिवार के अकाउंट में भी कतर, दुबई और अबू धाबी से पैसे आते थे। पुलिस को पता चला कि उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम का ट्रांजैक्शन हुआ है। पैसे हवाला के जरिए भी भेजे गए। जनवरी 2010 से लेकर 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में 1,82,84,000 रुपए आए, जबकि 50 लाख से अधिक की रकम दोहा, कतर, अबू धाबी, रियाद जैसे देशों से आई। एडीजी ने बताया कि इस केस में बिलाल फलीफ का नाम सामने आया है जो कि जाकिर नाइक का बेहद करीबी है। अंतरण के मुद्दे पे 2 व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार किया गया था, उमर गौतम और जहांगीर आलम को। उससे पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान विस्तृत पूछताछ की गई और उपलब्ध साक्ष्य तथा नए तथ्यों के आधार पर 3 और व्यक्तियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो इस केस में कई सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं और ये तमाम खुलासे कई गंभीर सवालों को जन्म देते हैं, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़ को लेकर हो। हालांकि हर गुजरते दिन के साथ जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं। उमर गौतम के खातों में विदेशों से पैसा आता था, उमर के परिवार के खातों में भी ट्रांजेक्शन होता था, इसके भी सबूत मिले हैं। उमर के ट्रस्ट में भी खाड़ी देशों से फंडिंग होती थी। फिलहाल हर एक एंगल से जाँच चल रही है। इस्लामिक दावा सेंटर को विदेशों से करोड़ों रुपए मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए धर्मांतरण के मामले का बिहार के मुजफ्फरपुर से भी कनेक्शन सामने आया है। मुजफ्फरपुर में भी जांच शुरू हो गई है। यूपी एटीएस के पदाधिकारी मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं। यहां पर एक शख्स से पूछताछ की गई। यूपी एटीएस ने मुजफ्फरपुर के एक युवक रागिब असलम से पूछताछ की। रागिब असलम हथौड़ी थाना क्षेत्र के हथौड़ी गांव का रहने वाला है। उसके पिता इफ्तिकार आलम हथौड़ी पंचायत के मुखिया हैं। एटीएस ने जब रागिब असलम को तलब किया तो उसके पिता खुद उसे लेकर हथौड़ी थाने पहुंच गए। एटीएस वहां से दोनों को लेकर पुलिस मुख्यालय आ गई, जहां पर 4 घंटे तक रागिब से पूछताछ की गई। तो वहीं दुबई में लग्जरी लाइफ का सपना दिखाकर प्रेम जाल में फंसाने के बाद छात्रा का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पीलीभीत पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में शामिल अभियुक्तों की तलाश भी चल रही है। पीलीभीत जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर बताया कि उसकी बेटी कक्षा 12 की छात्रा है। पूरनपुर के रहने वाले रज्जू हुसैन नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा को प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोप है कि शादी कर दुबई ले जाने का झांसा देकर आरोपियों ने धर्म परिवर्तन करा दिया। जानकारी होने पर जब गहने और पैसे के बारे में महिला ने बेटी से पूछा तो छात्रा ने बताया कि वो मुस्लिम बन गई है। पैसा और आभूषण उसने अपने प्रेमी को दे दिया जिससे दुबई में घर बन रहा है। महिला ने ये शिकायत करी कि उनके पुत्री को उसी थाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको शादी का लालच देके, दुबई ले जाने का लालच देके धर्म परिवर्तन कराया उनकी पुत्री का, और उनके घर से इसको बहला फुसला के कुछ पैसे और जेवरात जो है वो भी इन्होंने हड़प लिए हैं। इसकी हमने एफआईआर पंजीकृत करी है। इसमें कुल 7 लोग इसमें नामजद है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है।
तो वहीं यूपी के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यहां पर दो सिख लड़कियों का गन पॉइंट पर अपहरण करते हुए जबरन उनका धर्मांतरण करा दिया गया। इनमें से एक लड़की की शादी जबरन एक मुस्लिम लड़के से कर दी गई। उस लड़की का अभी तक पता नहीं चल पाया। ये मामला शनिवार को सामने आया था। एक घटना बड़गाम जिले की और दूसरी मजफूर नगर की है। मामले को लेकर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि देश के अंदर धर्म परिवर्तन का जिहाद है। उम्मीद है कि जेके के गवर्नर जथेदार साहब की चिट्ठी पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में तो कानून है और उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में ऐसा कानून नहीं है। कानून बनाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार देश के अंदर एक जिहाद है। ये पॉपुलेशन को लेकर एक जिहाद है कि हम किस प्रकार लोगों को धर्म परिवर्तन करें। वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, हम धर्म परिवर्तन कर अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जथेदार अकाल तख्त साहब ने चिट्ठी उनको लिखी है उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है जथेदार अकाल तख्त साहब ने, जिस प्रकार का लव जिहाद पर कानून यूपी और मध्य प्रदेश में आया है वैसे ही कानून। तो अलग अलग हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे, कई सारे ऐसे गंभीर सवाल हैं जो कि उठने लाजमी हो जाते हैं। जांच चल रही है, आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट होगा, क्या अन्य पहलू निकलकर सामने आते हैं वो देखना खास तो है ही, महत्वपूर्ण है ही। लेकिन फिलहाल हर एक पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी मौजूद हैं। आप पूर्व DGP हैं यूपी के। सर बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपके पास आऊं और हम हर पहलू पर बात करें उससे पहले अनुज मेरे साथ, मेरे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूं। अनुज, क्योंकि हम अभी सुन रहे थे प्रशांत कुमार को भी, जो भी खुलासे निकलकर सामने आए हैं इस पूरे मामले से बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और किस तरीके से इन लोगों ने अपनी पैठ गहरी कर ली है पूरे प्रदेश के अंदर, वो हर खुलासे के साथ उसको और भी ज्यादा बल मिल रहा है। जी निश्चित तौर पर, और इसीलिए बाकायदा UP ATS ने 32 जिलों के SSP को बाकायदा पत्र लिखा है और उनसे वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है, बिलाल फिलिप का नाम सामने आ रहा है कि उसका उमर से बेहद अच्छे संबंध थे। अगर बिलाल फिलिप की बात किया जाए तो ये दोहा में इस्लामिक ऑनलाइन सेंटर एक यूनिवर्सिटी जो है वो चलाता था और ये जाकिर नाइक का बेहद करीबी था। ऐसे में जो शुरू से UP ATS कह रही थी कि इस पूरे मामले में जाकिर नाइक की भूमिका की जांच की जा रही है, बिलाल फिलिप का नाम सामने आने पर इसको काफ़ी बल मिलता है। ऐसे में फिलहाल जो है UP ATS इस बात की जांच कर रही है कि क्या वाकई में जाकिर नाइक का इस पूरे धर्मांतरण रैकेट से कोई लेना देना था, क्या विदेश में बैठा जाकिर नाइक जो है धर्मांतरण का ये खेल खेल रहा था, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। साथ ही साथ जो विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है, जिस तरीके से ये बात सामने आया कि किस तरीके से अगर हम IDC की बात करें या तमाम वो संस्थान जिससे उमर जो है वो जुड़ा हुआ था, उन तमाम संस्थाओं में विदेश से फंडिंग आई है, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो UP ATS को मिल चुकी हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से ये बात भी सामने आई है कि उमर जो है जो विदेशी फंडिंग आता था उसे अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफ़र कर देता था। इतना ही नहीं, उमर के खाते में पिछले कुछ दिनों में 50 लाख रुपए जो हैं वो आए हुए थे। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार UP ATS की जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, UP ATS का साफ तौर पर यही कहना है कि कई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले बताया था कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के एक कर्मचारी का नाम सामने आ रहा है, इरफान शेख। और आखिरकार इरफान शेख को UP ATS ने गिरफ्तार किया। इरफान शेख ही वो शख्स था जो मुखबधिर बच्चों की सूची देता था, उनके मन में जहर घोलता था, उनको इस्लाम के प्रति जागरूक करता था और जो उनका मूल धर्म होता था उसके प्रति उनके मन में जहर घोलता था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा रैकेट है। फिलहाल तफ्तीश आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई चौंकाने वाले खुलासे इसमें सामने आ सकते हैं। और जिस तरीके से जाकिर नाइक का संबंध जुड़ता हुआ दिख रहा है, ऐसे में कई और इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता अनुज, और जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही है आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी होने के आसार, और इसके साथ ही साथ और भी कई अहम खुलासे जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। अनुज बने रहिएगा। सुब्रत सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सर जिस तरीके से ये
पूरा केस निकल कर सामने आया और जिस तरीके से पुलिस ने ही खुलासे किए, हर गुजरते दिन के साथ हर एक खुलासा कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। लेकिन क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, एक पूर्व डीजीपी होने के नाते आप इस पूरे केस को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब सिस्टम को रेगुलर मेंटेन नहीं किया जाता है तो ये लैप्सेज अकर की जाती हैं। ठीक है, सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या यह महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है कि हजारों कांड हुए ऐसे? इस पर हमारी पुलिस क्या कर रही थी, हमारी एलआईयू क्या कर रही थी, हमारे जेडो इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे, हमारा इतना बड़ा डायरेक्टरेट पुलिस का एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रहा था? इतने बड़े पैमाने पर अगर कल्पना कीजिए, ये तो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, अगर कोई उग्रवादी हरकत कर रहा हो, कोई और कोई गोट बिछा रहा हो, और इतने बड़े पैमाने पर हमें खबर न लगे, और जब चुनाव का मौसम नज़दीक आए तब यह खबर लगे कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, 4 साल तक यह खबर न लगे, तो यह चीज़ किसी भी बुद्धिजीवी के सामने तमाम संकटों को, आज लोग इसके खिलाफ़ नहीं हैं, विपक्षी दल भी इस अभियान के खिलाफ़ नहीं है, वे इस अभियान की टाइमिंग खिलाफ़ हैं। आखिर 4 साल तक धर्म परिवर्तन होता रहा, हमारी किसी भी सामाजिक मिशनरी को, हमारे समाज को, तमाम विश्व हिंदू परिषद की शाखाएं चल रही हैं, तमाम गांव-गांव ब्रांचेस, ठीक है सर, तमाम और धार्मिक संस्थाएं, चूंकि इस वक्त बहुत ज्यादा लाजमी हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।